नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल न्यूज 11 इंडिया टीवी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। से पहुंचती रहेगी और जितना हम समाजवादी लोग प्रयास कर रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, हमें पूरा भरोसा है अपने ईमानदार निष्ठावान पत्रकारों पर और चैनल के साथियों पर। इस लोकतंत्र को बचाने में उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष आए हैं, पार्टी की तरफ से निर्देश लगातार जा रहे हैं, उसी की समीक्षा को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं और अपने अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों से सुझाव भी मांगे हैं। चुनाव आ गया है, अब 100 दिन भी नहीं बचे हैं, इसलिए पूरी तैयारी के साथ सेक्टर बूथ और हमारे कार्यकर्ता और संगठन के सभी पदाधिकारी मिलकर के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी निभाने जा रही है और हमें अपने संगठन पर पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के हर कार्यक्रम को, हर नीति और फैसले को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हाल ही में जो वोटर लिस्ट को लेकर के हमारे अध्यक्षों ने काम किया है, इनके कई साथियों ने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ शिकायतें भी आई हैं और हमें उम्मीद है कि जब वोटर लिस्ट फाइनल छप करके आएगी उस समय गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर लगातार अधिकारियों से संपर्क रख करके वोट कहां कटा है, कहां बढ़ा है, उस पर पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर तरह से हस्तक्षेप करेगी। आयोग को भी कहीं ना कहीं दबाव मिलेगी, जो अधिकारी हैं वो भी कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करते हैं, इसलिए हर तरफ संगठन के लोगों को नजर रखनी पड़ेगी और आने वाले समय में जो गठबंधन या गठबंधन के साथ जो दल साथ लड़ेंगे, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता साथी मिलकर के जो जहां लड़ेगा वहां उसकी पूरी जिम्मेदारी से मदद करने का काम करेंगे। यही लोग हैं जो लगातार मैदान में रहेंगे और हमारे सभी प्रदेश के और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बूथ वाइज बांट करके उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। मुद्दा क्या होगा, क्या राम मंदिर होगा? महिलाओं की असुरक्षा, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पूरे देश में 1,00,000 किसानों ने आत्महत्या की। ये आंकड़े मेरे नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 1,00,000 किसानों ने आत्महत्या की है और हमारी सीमाएं असुरक्षित हो गई हैं। जो 1962 के युद्ध की मेमोरियल था वो सुनने में आया चीन की फौज ने तोड़ दिया, जहां तक चीन की फौज जाना चाहती थी वहां बैठ गई है जाकर के, चाहे वो आपका लद्दाख हो। सुनने में यहां तक आ रहा है कि भूटान के हिस्से को भी कब्जा कर लिया है। ये मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, अन्याय चरम सीमा पर है। आपका बुलडोजर पे वोट पड़ेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान बचाने के पे वोट पड़ेगा? और हमें उम्मीद है इस देश के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए आगे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। ये हमारे मुद्दे हैं। न्यूज 11 इंडिया टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। दिनेश कुशवाहा, पैथोलॉजी अस्पताल, आपके क्षेत्र का जाना पहचाना विश्वसनीय एवं आधुनिक पैथ लैब। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल, हमारा पता है कवि रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी के सामने वाली गली में हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी में है। पहचान चिन्ह हमारा पीपल का पेड़ है, आप अपने निवास स्थान पर हैं। जहां पर आधुनिक मशीनों द्वारा खून, मलमूत्र, वीर्य, बलगम, हार्मोन्स एवं कल्चर की जांच की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है कवि रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी के सामने वाली गली में हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी में है। पहचान चिन्ह हमारा पीपल का पेड़ है, आप अपने निवास स्थान पर हैं।
निज कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? क्या आप खून, मलमूत्र, वीर्य, बलगम, हार्मोन्स एवं कल्चर की जांच कराना चाहते हैं? क्या आप अपनी जांच के लिए इधर उधर भटक रहे हैं? तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल आपके क्षेत्र का जाना पहचाना विश्वसनीय एवं आधुनिक पैथोलॉजी अस्पताल है। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल, दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल, जहां पर आधुनिक मशीनों द्वारा विश्वसनीय तरीके से सभी प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। आपकी सेवा में हमेशा तत्पर। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल आपके क्षेत्र का जाना पहचान। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल आपके क्षेत्र का जाना पहचाना विश्वसनीय एवं आधुनिक पैथोलॉजी अस्पताल है। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल, दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल, जहां पर आधुनिक मशीनों द्वारा खून पेशाब से संबंधित सभी बीमारियों की जांच एवं सभी प्रकार की बीमारियों की इलाज की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। हमारा पता है करवी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी के सामने वाली गली में हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी में है। पहचान चिन्ह पीपल का पेड़। आप अपने निवास स्थान पर हैं की सेवा में 24 घंटे हाजिर है। जी हाँ, सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे आपकी सेवा में हमेशा तत्पर। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल आपके क्षेत्र का जाना पहचान। अरे राहुल, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊं यार, ब्लड टेस्ट तथा अन्य प्रकार की कुछ जांचें करवानी हैं, समझ नहीं आ रहा कहां पर करवाऊं। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, सेवा में 24 घंटे हाजिर है। जी हाँ, सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे आपकी सेवा में हमेशा तत्पर। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल आपके क्षेत्र का जाना पहचान। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है और सबसे बड़ा धन, बल्कि यूं कहूं एक स्वस्थ मनुष्य कुछ भी कर सकता है, लेकिन वही इंसान अस्वस्थ होने के कारण कुछ नहीं कर पाता। अगर आप भी किसी तरह के बीमारियों से परेशान हैं, किसी तरह के बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो बीमारी छोटी है या बड़ी उसे नजरअंदाज नहीं कीजिए और आज ही अपने बीमारियों के सफल इलाज के लिए चल पड़िए। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल आपके क्षेत्र का जाना पहचाना विश्वसनीय एवं आधुनिक पैथोलॉजी अस्पताल है। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल, दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल, जहां पर आधुनिक मशीनों द्वारा खून पेशाब से संबंधित सभी बीमारियों की जांच एवं सभी प्रकार की बीमारियों की इलाज की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। हमारा पता है करवी रोड समुदाय।